प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की ऐतिहासिक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत। छोटे और सीमांत किसानों को पहली किश्त जारी। देश के 12 करोड़ से भी अधिक किसानों को सालाना 6000 रुपए की मिलेगी गारंटीड आय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सेना ने लिया आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है, न कि कश्मीरियों से। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों को निशाना बनाने के खिलाफ लोगों को दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीनगर और अन्य जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल किए तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में किया स्नान। सफाई कर्मचारियों, स्वच्छाग्रहियों, पुलिस के जवानों और नाविकों को स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर, लखनऊ में किया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू में जनसभा को किया संबोधित। कहा, राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होगा भारत। 1 मार्च को अबू धाबी में आयोजित होने वाली बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत का करेगी प्रतिनिधित्व। असम के गोलाघाट और जोराहट में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 100 से ज्यादा। 200 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। अब तक 12 लोगों को किया गिरफ्तार। वेनेजुएला में सीमावर्ती शहरों में विपक्षी दलों के मानवीय सहायता मंगवाने पर हुई झड़पों के बाद तनाव बढ़ा। अब खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच विशाखापट्टनम में शुरू। भारत के स्टार निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता गोल्ड। 252.9 अंक हासिल कर रचा विश्व रिकॉर्ड।